सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। बहुत से लोग इस संसार से चले गए जिनके पास अब स्तुति और बड़ाई करने का, तेरी प्रशंसा करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन आपने चूंकि हमको जिंदों की जमीन पर रखा है, इसलिए जब तक हम जिएंगे हम तेरे नाम का गुणानुवाद करेंगे। प्रभु जी, आज खास करके इस संसार की दशा के लिए हम तेरे सामने आए हैं। हमें मालूम है कि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, यहां तक कि सर का हमारा एक एक बाल गिना हुआ है और बगैर आपकी मर्जी के वो जमीन पर नहीं गिरता, और कोई भी चीज बगैर आपके जाने नहीं होती प्यारे प्रभु जी। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, जैसा तेरा वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा और तब तुम मेरी महिमा करने पाओगे। हाँ प्रभु जी, इस वक्त जो संसार पर संकट आया हुआ है, पूरे विश्व में, हर देश में इस महामारी ने अपना प्रकोप फैलाया है प्रभु जी, और लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। पिछले हफ्ते खुद हमने अपने परिवार में तीन तीन गमी देखी प्रभु जी। मेरे भाई तड़प करके मर गए, मेरी आंटी चली गई प्रभु जी, मेरे मामू चले गए प्यारे प्रभु जी, और एक इतना बड़ा दुख जो हमें हुआ है, हमारे पूरे परिवार को हुआ है प्रभु जी, इसके सहने की ताकत सिर्फ आप दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु जी, हम तुझ में हियाव बांधे, ढाड़स रखे और अपने आप को इतना मजबूत रखे प्रभु जी कि शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर कामयाब ना हो, हमारा विश्वास कहीं से डामाडोल ना हो प्रभु जी, बल्कि हम डर को हटा करके अपने विश्वास को और भी बढ़ाएं। और प्रभु जी, लहरों को देख करके, आंधी को देख करके हम डर ना जाए, लेकिन चूंकि हमारा मकान उस चट्टान पर, सनातन चट्टान पर बना है, इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी भी आंधी तूफाने और लहरें आएंगी, कितनी भी टक्कर मारेंगी प्यारे प्रभु जी, जब तक तू हमारे साथ है हमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है प्यारे प्रभु जी। लेकिन हम उन सभी परिवारों के लिए मांगते हैं जो गम से जूझ रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनों को खोया है प्रभु जी, हमारे मन में भी अपनी वो शांति भरिएगा जिसकी हमें सख्त जरूरत है आज। और प्रभु जी, बगैर उस शांति के हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं प्रभु जी। कई बार दिल आता है कि ये जीवन है ही क्या, ये तो बिल्कुल मिट्टी का जीवन है, और ये उस घास और फूल के समान है जो सुबह खिलती लेकिन शाम को कट के मुरझा जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा एक अनंत निवास है प्रभु जी, आपने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। अब तू हमें तैयार कर प्रभु जी, ताकि जब हम वहां जाएं तो उस जगह में हम एडजस्ट कर सके, हम रह सके प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे आज भी साथ है, तूने हमें छोड़ा नहीं और कभी त्यागा नहीं प्रभु जी। विश्व के जितने देश में यह महामारी फैली हुई है प्यारे प्रभु जी, और जिस तरीके से भी ये महामारी कैसे कैसे रूप बदल करके और लोगों को परेशान किए हुए है प्यारे प्रभु जी, आपसे मिन्नत है कि इस बीमारी को तत्काल दूर कीजिए प्यारे प्रभु जी, और हमें आराम दीजिए। हालेलुया। और प्रभु जी, हमारे जो प्रिय चले गए हैं प्रभु जी, होने दे कि मुर्दों में से लोग जिंदा किए जाए, आपने मुर्दों को जिंदा किया है प्रभु जी, आपने मरियम और मार्था को उनका भाई वापस कर दिया, काश कि हमारा भी भाई वापस आ जाए प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की हम महिमा और जलाल कर सके। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तू हमारे बराबर साथ रहता है। तूने कहा है कि देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम जानते हैं प्रभु जी किस जगत का अंत होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा प्यारे प्रभु। तूने कहा है कि अभी अंत नहीं होगा जब तक ये सुसमाचार हर जातियों में प्रचार ना कर दिया जाए, और अभी बहुत सी जातियां हैं जहां तेरे नाम का प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है प्रभु जी, और हम जानते हैं कि बहुत जल्दी वो कार्य भी पूरा हो जाएगा, वो सारे एजेंडे और प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे प्रभु जी, और तब तेरा आना होगा प्रभु जी, तब हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। अभी जो हम इस क्लेश की घड़ी में है प्यारे प्रभु जी, और इस संकट की घड़ी में है प्रभु जी, तूने कहा है कि संसार में तुमको कष्ट होता है। हाँ प्रभु जी, हमें बहुत कष्ट है, और हम जानते हैं कि इस कष्ट का निवारण सिर्फ
सिर्फ आपके द्वारा हो सकता है। और इसलिए हम आपसे मिन्नत करते हैं प्रभु जी कि हमारे कष्टों को दूर कीजिए। और प्रभु जी जो जो हमारे प्रिय लोग हैं प्रभु जी, हम अपने भाई के परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु जी, अमन के लिए, आइजक के लिए, भाभी के लिए, प्यारे प्रभु जी उनको बहुत आशीष दीजिएगा और उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। उसी प्रकार जो हमारी आंटी जी चली गई हैं, उनकी बेटी मधु और उनका जो नाती है प्रभु जी सनी, उसको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। उसको भी, उन लोग दोनों को भी संभाल करके रखिएगा। और उसी प्रकार प्रभु जी हमारे जो मामू इस संसार से कूच कर गए प्रभु जी, उन्होंने बड़ी खिदमत की, कई सालों तक, 50 से ज्यादा सालों तक पास्टरशिप कर करके उन्होंने इतने लोगों को तेरे नाम का प्रचार किया प्यारे प्रभु जी। उनके भी परिवार को बड़ी आशीष दीजिएगा, उनके तीनों बच्चों को, उनके दामाद को, उनके बहू को प्रभु जी, और सारी बच्चियों को, और उनके जो बच्चे हैं प्रभु जी उन सबों को बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारे परिवार को भी प्रभु जी, हमारी घरवाली को, हमारे बेटे को प्रभु जी, हमको उस शांति से भरिएगा प्रभु जी। हमारे चर्च को भी बड़ी आशीष दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि वो चर्च आपके नाम का एक सच्चा जिंदा गवाह बन करके उस गोरखपुर शहर में, जहां पर प्रभु जी चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है प्यारे प्रभु जी, और चारों ओर से इतना सताव है प्यारे प्रभु जी, और चारों ओर से इतना दबाव है हमारे ऊपर प्यारे प्रभु जी कि हम इस विश्वास को छोड़ दें, और कितने लोगों ने जो पिछले दिनों तेरे नाम को ग्रहण किया है और चंगाई पाए हैं प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो विश्वास में बने हुए हैं, और कितने लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने उस कलीसिया को उस अंधकार भरे शहर में रखा है, जहां हर घर में प्यारे प्रभु जी दूसरे देवी देवताओं की और ईश्वरों की उपासना होती प्रभु जी, ऐसी जगह पर आपने हमें एक प्रकाश स्तंभ बना करके रखा है, एक लाइट हाउस बनाया है। अपने वचन का तूने कहा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हाँ प्रभु जी, अपने वचन का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाना, ताकि वो रिफ्लेक्शन दूसरों तक जा सके प्यारे प्रभु जी। हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार अय्यूब ने तुझे धन्यवाद दिया, उसने कहा कि अगर हम तेरे हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। और उसने ये भी कहा प्रभु जी कि हमारा प्रभु, हम नंगे आए थे और नंगे ही लौट जाएंगे, लेकिन हम अपने प्रभु के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से कोई पाप नहीं करेंगे, ऐसा अय्यूब ने कहा प्रभु जी। उस पर भी कितनी मुसीबतें आई, उसके पास भी कितने बुरे बुरे समाचार लोग लेकर के आए, लेकिन उसने तेरे खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला प्रभु जी। मूर्खता में उसने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमको भी बुद्धिमान बनाइएगा प्रभु जी, हमको समझदारी दीजिएगा प्रभु जी कि हम आपके खिलाफ कुछ ना बोले, बल्कि आपके प्यार में, आपके ईमान में, विश्वास में और भी आगे बढ़ते चले जाए। क्योंकि हमको मालूम है प्रभु जी कि ये दुनिया की तूफान की लहरें प्रभु जी आएंगी और जाएंगी प्रभु जी, लेकिन जब तक तू हमारे साथ है हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा प्यारे प्रभु जी। हम तुझ में और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हमारा विश्वास है कि एक दिन तू आएगा और अपने लोगों को लेकर के जाएगा प्रभु जी। आज के हमारे इस सभा पर और इस वचन पर अपनी आशीष देना प्रभु जी, ताकि लोग सिर्फ सुन करके ये ना कहे कि वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने बोला, बल्कि ये कहें कि हमारे हृदय छिद गए प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ चंगे ही ना हो लेकिन बचाए जाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके मार खाने से हम चंगे जरूर हुए हैं, लेकिन आपके लहू बहाने से हम बचाए गए हैं प्रभु जी। आप इसीलिए आए कि आप पापियों का उद्धार करें प्रभु जी, आप पापियों के लिए आए, आप सिर्फ रोगियों को चंगा करने नहीं आए लेकिन आप पापियों को बचाने भी आए। इसलिए प्यारे प्रभु जी, अगर हमारे कोई रोग पाप की वजह से है, हाँ सारे रोग पाप की वजह से नहीं है, लेकिन बहुत से रोग पाप की वजह से भी हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए हमारे पापों को माफ कीजिएगा, हमारे रोगों को चंगा कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। तेरे मार खाने से, तेरी पीठ पर प्रभु जी 39 कोड़े मारे गए, जिसके दुनिया में जितनी बीमारियां हैं प्रभु जी वो सारी हर ली गई, और ये लगता है प्रभु जी कोई नई बीमारी है, और हम जानते हैं कि इसके लिए भी आपके पास सारे उपाय हैं कि आप इस बीमारी से हमें आजादी और मुक्ति देंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना को आपने सुना है और उसका जवाब दिया है, और ये सारी विनती हम अपने प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय, बहुत सी गवाहियां मेरे पास आ रही हैं, और मैं इंडिया में था दिसंबर से लेकर के और अप्रैल तक, 75 से ज्यादा नॉन क्रिश्चियन प्रभु के नजदीकी में आए, और
उन्होंने प्रभु के नाम का बपतिस्मा भी लिया और बड़ी आशीषें मिली, इतनी चंगाई की। एक लेडी थी वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी और आज सुबह मेरे पास वहां से खबर आई उसके परिवार से कि अब वो झाड़ू लगा रही है। आप सोचिए क्या मतलब हुआ इसका, जो पैरालाइज था, जो खटिया पर पड़ा हुआ था, चारपाई पर पड़ा हुआ था, वो अब उठ करके झाड़ू लगा रहा है। उसको किसी को पहले उनको पकड़ करके लाया ले जाता जाता था, अब झाड़ू, आप समझ रहे हैं जब कोई झाड़ू ही लगा रहा है तो उसमें कितनी ताकत आ चुकी होगी। एक जवान लड़का था, मैं सोचता हूं कि 13-14 साल का, और एक्सीडेंट हुआ उसका, वो कोमा में चला गया था जनवरी में, और मैं दो बार उसके पास गया उसके हॉस्पिटल में, और मैंने हाथ रख करके प्रार्थना की और मैंने कहा दवाइयां आप करते रहिए लेकिन प्रार्थना पर भरोसा रखिए। और वो बच्चा एक हफ्ते के अंदर कोमा से बाहर निकल करके ताकत पा करके वो हमारी क्वायर का हिस्सा हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारे लिए आज भी काम करता है। और भी बहुत सी गवाहियां हैं। एक और पैरालाइज हो गया था कमर के नीचे से और उसको चर्च में लेकर के आए, मेरे पास सब फोटोग्राफ वीडियो है सब, लेकर के आए और उसके लिए प्रार्थना की गई और वो चल करके वापस गया। उसको गोद में उठा करके लोग उसके पापा लेकर के आए थे और जब वो दुआ हुई उसके लिए तत्काल चंगाई मिली और फिर वो वापस चला गया। तो प्रभु हमारा आज भी काम करता है, लेकिन चंगाई के लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। और यहां पर एक अंधे बर्तिमय का दृष्टांत है, उसको दृष्टि दी गई यहां पर। और मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में लिखा है कि वे यरियो में आए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह यरियो में आए, और जब वह और उसके चेले, यानी यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरियो से निकलती थी, तब तिमाई का एक पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मित्रों, ये शहर यरियो एक कर्स शहर था, एक शापित शहर था। यरूशलेम ब्लेसेड था, यरियो शापित था। और जब भी यीशु मसीह यरियो में जाते थे तो हमेशा उनको कोई ना कोई बीमार दिखाई देता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पर दिखाई देती थी। ये संसार भी एक यरियो के समान है मित्रों। इसकी भूमि को परमेश्वर ने कर्ज किया है, इस भूमि की मिट्टी को कर्ज किया, श्राप दिया है कि ये तेरे लिए उठकटारे उगाएगी। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी चली आती है। अभी हम लोग सोचते थे कि ये महामारी खत्म हो गई है, लेकिन देखिए फिर से एक दूसरी लहर, तीसरी लहर। मुझको तो समझ में नहीं आता कि पहली लहर कब खत्म हुई और दूसरी लहर किस दिन से शुरू हो गई। अगर किसी को कुछ पता है तो वो बता सकता है कि पहली लहर 5 तारीख को, 10 तारीख को 3 बजे, 4 बजे खत्म हुई और दूसरी लहर जो थी वो 6 तारीख को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, ये लहर ही है, हम महामारी में ही है। पिछले साल से जो ये महामारी शुरू हुई है ये कंटिन्यू कर रही है, और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर देश में नहीं, पूरे विश्व में इस महामारी ने अपना प्रकोप किया है। और आपको मालूम है कि पूरे विश्व के जो देश है वो लॉकडाउन में है, लिमिट में है, और अभी भी बहुत फ्रीडम या स्वतंत्रता नहीं है कहीं बहुत आने जाने की या गैदर होने की या जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल क्रियाकलाप करते थे। तो यीशु मसीह यरियो में जाते हैं। खुशी की बात है कि कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां हमारा प्रभु पहुंच नहीं सकता है। वो अगर यरूशलेम में जा सकता है तो वो यरियो में भी आ सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस यरियो के किनारे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि किस श्रापित जगह पर है, मैं नहीं जानता हूं किस दुख और किस अवसाद में आप हैं, लेकिन हमारा प्रभु वहां पर भी पहुंच सकता है, चेलों के साथ पहुंच सकता है, भीड़ के साथ पहुंच सकता है, और उस परिस्थिति का हमारे प्रभु पर कोई असर नहीं है। प्रभु ये नहीं कहते अरे बड़ी खराब जगह है, हटो यहां से, चला जाए, मैं तो वहां कभी जाऊंगा नहीं। नहीं, उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ यरियो में प्रवेश किया और यरियो से अब वो निकल रहे थे, और निकलते निकलते भी उनका एक मौजजा हमको दिखाई देता है। सिर्फ जब वो एंटर कर रहे थे तभी नहीं कि अरे भाई अब मेरा समय खत्म हो गया, अब मैं जब मैं जा रहा हूं तभी तक तुम चंगे हो सकते हो, जब मैं यहां पर हूं ये वक्त है सुबह का से 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। नहीं, आज यीशु मसीह एग्जिट कर रहे हैं, आज जा रहे हैं। वो ये कह सकते थे भाई मेरा टाइम खत्म हो गया, अब तो हम जा रहे हैं। हम लोग कई बार कहते ना अच्छा भाई अगली बार आएंगे तब ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा वक्त खत्म हो गया। मगर आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, 2 बजे रात में उसका आपकी जरूरत, उसको आपकी जरूरत है या आपको उसकी जरूरत है,
वो आपके पास मौजूद है। आपको याद होगा शमूएल एक छोटा बच्चा था और रात पहर में सो रहा था और उस वक्त ये परमेश्वर ने उसको आवाज दी, शमूएल शमूएल, और उसने कहा कह कि तेरा दास सुन रहा है। तो प्रभु के लिए वक्त कोई माने नहीं रखता है और हम सोचते हैं कि वक्त निकल गया, समय निकल गया, समय से ये होना चाहिए, समय से होना चाहिए। नहीं मित्रों, अगर प्रभु पर भरोसा है तो समय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, नहीं, हमारा प्रभु समय से भी ज्यादा बलवान है। चार दिन का लाजर था, समय बलवान होना चाह रहा था, अरे अब चार दिन हो गया, अब तो उसमें से दुर्गंध आने लगी, अब तो वो सड़ने लगा, उसकी बॉडी सड़ने लगी, अब क्या हो सकता है, अब क्या उसकी बॉडी को भी ठीक करेंगे आप उसको। चार दिन के बाद ये समस्या आए, उन्होंने कहा समय तुम सोचते हो बलवान है, लेकिन मैं समय से भी ज्यादा बलवान हूं, क्योंकि समय मुझमें से निकला है, मैं समय में से नहीं निकला हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की। मित्रों, जब समय था ही नहीं तब हमारा प्रभु मौजूद था, तब हमारा यहोवा परमेश्वर मौजूद था, तब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद थे मित्रों। और आज हमारे बीच में वही काम करने वाला हमारा प्रभु मौजूद है। और ये जब निकल रहे थे तो वहां पर एक बहुत ही असहाय व्यक्ति, तीन चार चीजें, एक सबसे पहले वो अकेला था। आज हम लोग इस बात का ताना देते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ये जब मैं मुसीबत में था। यहां तो ये अकेला था, इसके पास बाकी अंधे भी नहीं थे, इसके पास बाकी भिखारी भी नहीं थे, एक अंधा था, वो अकेला था। और सोचिए, अकेलापन अपने में एक बीमारी है, एक लोनलीनेस जो है वो अपने में एक डिप्रेशन है। और ये अकेले था और वो भी यरीहो के किनारे सड़क पर बैठा होता। अब सुनिए, एक तो अकेला था, फिर अंधा था, भिखारी था और सड़क के किनारे बैठा था। कोई भी चीज, पूरी उसकी परिस्थिति, उसकी पूरी लाइफ देखिए, कोई भी चीज बहुत एक्साइटिंग नहीं है। अकेला है, अंधा है, भिखारी है और सड़क के किनारे बैठा हुआ। आप बोलिए, ना तो उसकी जगह कोई बहुत अच्छी है, ना तो उसका शारीरिक दशा कोई बहुत अच्छा है, ना तो उसका बैंक बैलेंस, ना तो उसका फाइनेंशियल, ना उसका सोशल, ना उसका रिलेशन, ये पारिवारिक रिलेशन, फैमिली रिलेशन, हर तरीके से परिस्थितियां बिल्कुल दुरूह थी, बिल्कुल कष्टमय थी। और मैं नहीं जानता हूं कि कौन आज इस दुरूह और इस कष्टमय जिंदगी में है। कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, मेरे भैया चले गए, मेरी दीदी चली गई, मेरे पापा मम्मी चले गए। जी, मुझे मालूम है, मैं भी उसी कष्ट से गुजर रहा हूं। तीन तीन डेथ पिछले हफ्ते हुई है, मंडे को मेरे भैया चले गए, वेंसडे को मेरी आंटी जी की डेथ हो गई और फ्राइडे को मेरे मामू चले गए। और तीनों से दिल का लगाव था, मैं अब भैया को तो अपना फादर फिगर मानता था, मामू भी मेरे फादर फिगर थे और मेरी मौसी जो थी, जो आखिरी थी, जो मेरी मम्मी की बहन थी, इतना प्यार, मेरे चर्च की मेंबर थी, इतना दिन से मैं बिल्कुल बेटे के समान था उनका, वो बेटा कह के ही पुकारती थी मेरे को। और ये सब लोग इकट्ठे एक हफ्ते में चले गए, मैं कितना अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरी परिस्थिति एक बहुत ही अंधकार भरी, एक बहुत ही डिप्रेशन से भरी ये परिस्थिति है। लेकिन मित्रों, घबराइए नहीं, यहीं से यीशु निकल रहा है। आज कोई और नहीं जा रहा है, आज यीशु इस जगह पर पहुंच गया। सोचिए, मेरी इस परिस्थिति में जहां मैं अकेला हूं, जहां मैं अंधा हूं, जहां मैं भिखारी हूं, जहां मैं सड़क के किनारे बैठा हूं, अगर कोई निकल रहा है वहां से, तो यीशु मसीह वहां से निकल रहे हैं। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपका प्रभु मौजूद है। अब आपका यह काम है कि आप उसको पुकारें। भजन संहिता 50 उसके 15 में लिखा हुआ है, संकट के समय मुझे पुकारो। ये व्यक्ति संकट में पड़ा हुआ था और आज हम में से बहुत लोग संकट में पड़े हुए हैं मित्रों। इस महामारी ने ऐसा संकट पैदा किया है, इतना डर पैदा कर दिया है, इतनी निराशा पैदा की है, इतना बड़ा संकट आया हुआ है। मिनट मिनट लोग चले जा रहे हैं, अपने प्यारे लोग चले जा रहे हैं। पहले तो हम सोचते थे वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, अब तो ये पता चल रहा है ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। हर दिन हमें कोई ना कोई बुरा समाचार सुनाई दे रहा है। और इसको बजाय ये जानने के कि कौन इसमें पैसे वाला है, क्योंकि ये अंधा था, ये भिखारी था, ये सड़क के किनारे बैठा हुआ था, इसकी एक बहुत बड़ी जरूरत थी वो इसकी, क्योंकि ये भिखारी था तो इसको पैसे चाहिए थे। फाइनेंशियली ही वॉज कंप्लीटली
ब्रोक, इसके पास पैसे नहीं थे। और आज हम रुपए पैसे का बहुत अहमियत देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि रुपए पैसे से सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। और ये भिखारी था, इसीलिए सड़क के किनारे बैठा था कि इसको फाइनेंस की कुछ हेल्प हो जाएगी। और आज बजाय ये खोजने की कि इसमें सबसे मालदार कौन है, किसको मैं बोल सकता हूं कि मेरे को कुछ अच्छे पैसे दे दो, मुझको कुछ ज्यादा दे दो, मुझको लोन दे दो, मेरी मदद कर दो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यीशु नासरी है। भीड़ थी मित्रों, चेलों के साथ थे, सब कुछ था, मगर उसको सिर्फ यीशु दिखाई दे रहा था। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवसाद भरे समय में, निराशा भरे समय में, जबकि चारों ओर सब चीज ब्लीक है, सब चीज बहुत ही डिप्रेसिंग है, हर जगह हमें सिर्फ महामारी सुनाई दे रही है, चर्चेस बंद है, गैदरिंग बंद है, हम लोग की हंसी खुशी पर ताला लग गया है, ऐसे समय में कौन आपको दिखाई दे रहा है, किसको खोज रहे हैं, मदद के लिए किसको खोज रहे हैं? उसने कहा यीशु नासरी। अगर यीशु नासरी है तो बाकी सब लोग हमारे सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हमारा यीशु है। सोचिए, अकेला था, अंधा था, भिखारी था, सड़क के किनारे था, मगर उसको यीशु की पहचान थी। और आज कई बार हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास भरा पूरा परिवार है, हमारे पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है, हम अंधे नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हम सड़क के किनारे नहीं है, मगर हम यीशु को नहीं पहचान रहे हैं। कई बार हमारी परिस्थितियां हमको यीशु को पहचानने में मदद करती हैं। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं तो उस परिस्थिति का फायदा उठाइए। आप अपनी परिस्थितियों से कहिए, आप तो परिस्थिति सिचुएशन तो हमसे क्या कराना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो? यीशु को दिखाना चाहते हैं। अगर शायद ये अंधा नहीं होता तो कहीं नौकरी कर रहा होता, अगर ये भिखारी नहीं होता तो किसी के यहां गुलाबी कर रहा होता, किसी के यहां कुछ काम कर रहा होता, मगर आज उस परिस्थिति ने इसको यीशु दिखा दिया। और कई बार हमारी इस तरह की परिस्थितियां जो है हमको यीशु को देखने को मजबूर करती हैं, और आज इसको यीशु दिखाई दिया। और उसने बगैर समय कमाए गवाए हुए, बगैर किसी से परमिशन लिए हुए, इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत यीशु था, इसकी जरूरत पैसा नहीं था, इसकी जरूरत भीख नहीं थी, इसकी जरूरत सड़क के किनारे, उसकी जरूरत यीशु थी। उसने कहा अगर यीशु मिल गया तो बाकी सारी चीजें तो मांगने से पहले मुझे मिल जाएंगी। उसने कहा यीशु तू मुझे मिल जा, रेस्ट एवरीथिंग। आज हम लोगों ने ये मांगा है, वो मांगा है, ये दे दे, वो दे, ना ना ना, यीशु नासी, तू मिल जा तो जैसे हमें अंधेरे में लाइट मिल जाए तो हम ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, ये भी पा लेंगे, वो भी पा लेंगे। आपको लाइट, एक चीज बस आपको चाहिए, लाइट। आपका कुछ खो गया है अंधेरे में तो सबसे पहले आपको लाइट, जब लाइट मिल जाएगी तो वो चीज भी मिल जाएगी। जब यीशु हमें मिल जाएगा, जब यीशु मुखातिब हो जाएगा हमसे, जब यीशु अपने पास बुला लेगा, जब हमारा और यीशु का आमना सामना हो जाएगा, तो फिर तो पूछो नहीं, फिर तो ऐसी ऐसी चीजें तुम मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। लोगों ने डांटा इसको, मगर बजाय टिप्पणी करने के लोगों पर, बजाय उंगली उठाने के, अरे तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, तुम क्या चुप करा रहे हो, तुम्हारी डॉक्ट्रिन ये है, तुम्हारा फेथ ये है, तुम्हारा, उसने कहा सर आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिए। आज लोग ट्रोल कर देते हैं हम लोग को, तो हम लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं। लोग इसको ट्रोल कर रहे थे, इसको डांट रहे थे, सोचिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, डांट लो ना आज हमारी परिस्थिति, लेकिन जब यीशु ने हमें बुला लिया तो तुम्हारी डांट अपने आप खामोश हो जाएगी। आज बजाय हम लोगों को डांटे, बजाय लोगों को पर हम बैकफायर करें, तुमने हमको ये क्यों बोला, तुमने हमको ऐसा क्यों, ना ना ना, ये समय यीशु पर लिखा है कि वो और भी, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। मित्रों आज जरूरत यह है कि लोग जब हमको ट्रोल करें, जब लोग हमको डांटे, तो हम और भी उसको पुकारें। संकट के समय मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। और इसको संकट था, इसने कहा कि हमको अभी किसी पर ध्यान, देखिए जब एक जो दौड़ने वाला है, जब स्टेडियम में दौड़ता है, खासकर ओलंपिक वगैरह में, तो कितने लोग कितना हल्ला करते हैं, कोई ठीक है उसमें कोई चेयर अप भी करता है, कुछ लोग उल्टी सीधी, लेकिन जो दौड़ता है उसका निशाना वो दौड़ की जो आखिरी फिनिश लाइन है। पॉलुस कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आज प्रॉब्लम यह है कि निशाना तो हमारा हट गया,
हम दुनिया की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, इनको भी बोल रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं, उनको भी ऐसा कर, कोई हमको जरूरत नहीं, डांटते रहो कोई बात नहीं, वो तुमको अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा, अभी घबराओ नहीं, पहले मुझे यीशु चाहिए। और उसने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की और उसने सिर्फ यीशु को पुकारा और भी जोर से पुकारा। मित्रों, अगर यीशु एक बार नहीं सुन रहे तो दो बार पुकारिए आप उसको, आप उसको लगातार पुकारते रहिए और जब तक वो मिल ना जाए। लिखा यीशु मसीह ने कहा कि एक स्त्री थी, उसका 10 सिक्का था, 1 सिक्का खो गया, और लिखा है कि घर को जब तक वो मिल नहीं गया, जब तक वो मिल नहीं गया, कब तक नहीं मिला, एक दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, मालूम नहीं, लेकिन जब तक नहीं मिला वो ढूंढती रही। मैं लिखा है कि जब तक वो मिल सकता उसकी खोज में रहो। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है, वो सुनेगा, उसके वो बहरा नहीं है, वो कोई काट और पत्थर नहीं है। मित्रों, हमारा प्रभु एक जिंदा प्रभु है, वो सुनेगा हमारे जब तक वो मिल सकता है। और उसको मालूम था कि यीशु यहां से गुजर रहे हैं, और भी जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा मुझ पर दया कर। उसने नहीं कहा कि मुझको चंगा कर, उसने कहा तेरी दया मुझे याद है, अपने पापा की दुआ जो मुझे आज भी प्रिक करती है। वो रो रो के दुआ कर रहे थे, बोल रहे थे कि खुदा बाप, हम तेरी दया के भिखारी हैं, हम तेरी दया के भिखारी हैं। आहा हा, मैं बहुत दिन तक सोचता था ये उन्होंने कहां से ये लाइन उठाई, और पता चला कि ये बर्तुलमै, उसने कहा कि हम भिखारी हैं लेकिन तेरी दया के, आज पैसे के भिखारी नहीं है, आज हम फेलोशिप के भिखारी नहीं है कि हमको 10 लोग मिल जाए, आज हम ये चाहिए वो चाहिए, ना ना ना, आज की जो जरूरत है वो तेरी दया की जरूरत है। तेरी दया अगर मिल गई तो बाकी तो सब अपने आप ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अपने आप मिलेगा मेरे को। हे यीशु मसीह, मुझ पर दया करना। आज यही दुआ है, प्रभु इस संसार पर दया कीजिएगा, क्योंकि आपने ही इस संसार से प्यार किया है, आपने ही मोहब्बत की है, और आज आपकी वो मोहब्बत, उस पर कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, आज मोहब्बत दया में परिवर्तित होनी चाहिए। प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, इस देश पर दया कीजिए, इस विश्व पर दया कीजिए, अपने लोगों पर दया कीजिए। आपने बनाया है, हम आपकी सृष्टि है प्रभु जी, और इतना दुख, इतना कष्ट, प्रभु जी तेरी दया चाहिए। तेरी दया मिल जाएगी तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और यीशु ने उसे बुलाया। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस परिस्थिति में हैं, मुझे मेरी परिस्थिति मालूम है, और मैंने बजाय इसको बुलाने के, उसको कॉल करने के, बजाय कुड़कुड़ाने के, बड़बड़ाने के, इन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने कॉल नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी दया चाहिए, तेरी दया मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। और आपको आगे की कहानी मालूम है, यीशु ने उसको बुलाया और पूछा तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, दया में अब क्या चाहिए तुमको, दया तो मैंने दिखा दिया कि तुमको अपने पास बुला लिया, अब इस दया का पिटारा देखो, अब ये दया का ये जो दरवाजा है ना, अब ये खुल गया है, बोलो क्या चाहिए। उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं, ये नहीं कि उसको डांट दीजिए, उसको डांट दीजिए, उसने ऐसा किया, उसको बोले मुझे दिखा दीजिए, मैं जब देखने लगूं, आई वॉन्ट टू सी यू जीसस। और ये बताइए, जब यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली होंगी तो सबसे पहले उसने किसको देखा होगा, जीसस को देखा। खुदावंद मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तुझे देख सकूं, जिस दिन मुझे तेरा चेहरा दिख जाएगा मेरी सारी भिखारीपन दूर हो जाएगा, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मेरा सड़क के किनारे बैठना दूर हो जाएगा। तेरे नाम को महिमा चला। मित्रों, खुदावंद हमारा बहुत मेहरबान है, वो दया का सागर, क्षमा का खान, उसकी दया अगर हो गई तो जिंदगी की कोई नेमत, कोई बरकत मुझसे और आपसे दूर नहीं। आप सबको प्रभु ने